नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आपको खिचड़ी बनाना सिखाती हूँ। ये हमारे बिहार में जब संक्रांत होता है उस दिन ये ज़रूर बनाया जाता है। और खिचड़ी का मज़ा तो और जो स्वाद होता है नॉर्मली सर्दियों में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह की सब्ज़ियाँ मिलती हैं। मैंने भी फ़िलहाल 3 ही सब्ज़ी ली है, मटर, गोभी और आलू। आप चाहें तो इसमें गाजर, बीन्स, पालक, बहुत सारी सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं संक्रांत के दिन खिचड़ी कैसे बनाते हैं। बिहार और यूपी में इसे संक्रांत को खिचड़ी भी कहा जाता है। ये हमारे घर के कुल देवता को चढ़ाया भी जाता है और उसी चीज़ को फिर शाम को बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने चार तरह की दाल ली है, चने की दाल, अरहर की, मूँग की और मसूर की। ये सब मैंने भिगो के 1 घंटा पहले रख दिया था। और चावल इस गिलास से मेजर किया मैंने, 1 गिलास चावल और सारी दालें मिला के 1 गिलास। तो चलिए देखते हैं, इन दोनों को मैंने धो के भिगो दिया है। तो आप लोग भी बनाते होंगे खिचड़ी, ज़रा एक बार मेरा तरीका भी देख लीजिए कैसा लगता है आप लोगों को। चलिए देखते हैं, 1 गिलास चावल, लगभग जितना चावल उतना ही मैं दाल लेती हूँ, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता कम दाल में खिचड़ी। इसके लिए रिफाइंड ऑयल, देसी घी, पानी दाल को और चावल को गलाने के लिए, गोभी, आलू, मटर, टमाटर, हरा धनिया। मसालों में है चीरा लगाया हुआ मिर्च, 2 प्याज कटे हुए, तेज़पत्ता, जीरा और काली मिर्च 5-6, 1 इलायची बड़ी, 4 लौंग, 2 हरी इलायची और दालचीनी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हींग, 1 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी, 1/2 चम्मच मिर्च। मिर्च मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि ये मैं लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, हरी मिर्च और काली मिर्च भी डाल रही हूँ। काली मिर्च 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे इसमें 2 बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें मैं आलू और गोभी को फ्राई करूँगी और मटर को, और कुकर में मैं दाल को बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं, दोनों में तेल डालते हैं। ये देखिए मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है सब्जियों को फ्राई करने के लिए, और अब मैं इसमें एक एक करके दोनों तीनों सब्जियों को फ्राई करूँगी। और इधर मैंने कुकर में भी एक कड़छी मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है इस कड़छी से, और अब मैं इस कड़छी से ही 1 कड़छी देसी घी डालूंगी। देखिए दोस्तों, ये खिचड़ी साल में एक बार इस तरीके से मैं बनाती हूँ तो थोड़ा घी और तेल ज़्यादा लगता है। चलिए इसे गर्म होने नहीं देते। हमारा तेल लग रहा है गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें आलू डालूंगी। चलिए आलू डाल लेते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने आलू डाल दिए और अब मैं इसे ढक देती हूँ। और अब हम इसे इधर देखते हैं, हमारा तेल गर्म हो गया, मैं आँच कम कर रही हूँ। और अब मैं इसे तेज़पत्ता और खड़े मसाले डालूँगी। ये मैंने तेज़पत्ता और गर्म मसाला डाल दिए और ये अब चटक गए। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। ये इस तरीके से मैं रोज़ तो नहीं बनाती, वैसे मैं हर शनिवार को खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन वो सिंपल होता है, इतना मसाला इतना घी नहीं डालती। प्याज डाल देते हैं। और संक्रांत के दिन जो मैं खिचड़ी बनाती हूँ, उस दिन मेरे घर मेरे पड़ोस के लोग भी आते हैं खाने के लिए, तो उस दिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए प्याज को सुनहरा होने तक भून लेते हैं और आलू को भी हम एक बार चला लेते हैं। ये देखिए, चलिए अब हम इन दोनों को सुनहरा होने तक भून लेते हैं और प्याज को भी सुनहरा होने तक भून लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं। मैं उस टाइम हींग डालना भूल गई थी और ये मैं हींग डाल रही हूँ। हींग से खिचड़ी का स्वाद तो बढ़ता ही है, पचने में भी ये सहायता करता है हमारे खाने को। तो मैं जो शनिवार को खिचड़ी बनाती हूँ
वो भी तरीका मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से सिंपल खिचड़ी और जल्दी से झटपट बनता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसकी तैयारी करना, फिर इसको अलग अलग भूनना। तो चलिए, प्याज लगभग हो चुका है, अब मैं इनमें मसाले डालती हूँ। तो सबसे पहले मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और ये काली मिर्च, जीरा, नमक, हल्दी और लाल मिर्च। चलिए हम इसे थोड़ा भून लेते हैं। अब मैं टमाटर भी मैंने डाल दिए और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले ना जले। ये देखिए, बस 2 चम्मच के लगभग। और इसको अदरक लहसुन का जो कच्चापन है उसको ख़त्म करने तक भूनेंगे। तो ये संक्रांत आने वाली है तो मैंने सोचा कि चलिए उससे कुछ दिन पहले ही बना के मैं डाल दूँ ताकि मेरे देखने वाले जो हैं चैनल वो देख सकें और बना सकें। मैं सिंपल खिचड़ी का भी दूंगी आपको रेसिपी जो मैं हर सैटरडे को बनाती हूँ। तो चलिए अब हम आलू को भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे आलू। अब मैं इसको फिर से ढक देती हूँ और इसे भूनने देती हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, इस टाइम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसे भूनने देते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिए। ये देखिए, हमारे मसाले हो गए। अब मैं इसमें दाल डालूँगी। ये मैंने दाल डाल दिया और अब मैं इसे कुछ देर तक भूनूंगी। आँच हमारा मीडियम ही रहेगा। चलिए इधर आलू भी देख लेते हैं। और ये देखिए आलूओं का, ये लगभग हो ही चुके हैं। तब मैं इनको निकाल लेती हूँ और इसी तेल में मैं गोभी को भी फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने आलूओं को निकाल लिया। अब इसी तेल में मैं थोड़ा सा हल्दी डालूँगी और थोड़ा सा नमक और गोभी को डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने गोभी भी डाल दी। अब मैं इसको भी ढक के सुनहरा होने तक भून लूँगी। चलिए अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। हमारा हो गया दाल, तो अब हम इसमें पानी डालते हैं। जिस कटोरी से मैंने दाल लिया था उस कटोरी से लगभग 2 कटोरी हम पानी डाल लेते हैं और इसे हम 3 से 4 सीटी लगवा लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा गोभी थोड़ा हो चुका है तो अब मैं इसमें ही मटर डाल दूंगी और उसको मटर को भी इसके साथ भून दूंगी। तो चलिए अब मिक्सर मिला के उसको ढक देते हैं। और इधर मैंने दाल भी रख दी, 4 से 5 सीटी लगेगा तब मैं इसे बंद करूंगी। देखिए, हमारा गोभी और मटर भी हो गया तो अब मैं इसको किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने निकाल के रख दिया गोभी और मटर और आलू को भी, और चावल और मिर्च मैं जब दाल हो जाएगा तब डालूँगी। तब तक मैं इसी कढ़ाई में पानी गर्म कर लेती हूँ। जब मैं चावल डालूँगी तो मुझे गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए इसे गर्म भी करते हैं साथ साथ में, और जितनी ज़रूरत होगी हम उतना इस्तेमाल करेंगे। इधर हमारा दाल भी 2 सीटी लग गया। अब 2 सीटी का और इंतज़ार है, उसके बाद मैं इसको खोल के चावल डालूंगी। ये देखिए, मैंने दाल खोल दिया और हमारा दाल हो चुका है। ये चने का दाल है तो इसे होने में टाइम लगेगा। और ये देखिए, वैसे दाल ये बिल्कुल गल चुकी है। तो अब मैं इसमें, ये देखिए कितना गाढ़ा है। तो मैंने कटोरी से मेजर किया था, इस कटोरी से, तो मैं ये चावल भी डाल रही हूँ और इस कटोरी से मैंने
तीन के लगभग, 2 से 3 कटोरी पानी डाला था। अब मैं जो मैंने पानी गर्म किया है वो मैं फिर से डाल रही हूँ इसमें। तो चलिए अब हम पानी भी डाल लेते हैं और एक सीटी लगवाती हूँ मैं। ये देखिए अब पानी कितना है, मैंने फिर से 3 कटोरी पानी डाल दिया उस कटोरी से। तो अब मैं इसे बंद करती हूँ और ये गर्म पानी डाला है ये देखिए अभी खोलना शुरू हो गया, और मैं इसका ढक्कन लगाती हूँ और मात्र एक सीटी लगवाऊँगी। तो चलिए अब एक सीटी लगवा लेते हैं। चलिए हमारा एक सीटी लग गया, मैं इसका अब गैस निकालती हूँ और उसके बाद देखते हैं। ये देखिए ये मैंने एक सीटी लगने के बाद गैस निकाल दी थी और अब मैं इसमें सब्जी ऐड करूँगी और 10 से 15 मिनट ढक्कन बिना लगाए, ढक्कन नहीं लगाऊंगी और ऐसे ही से खोलाऊंगी। चलिए हम सब्जी ऐड कर देते हैं, आलू भी ऐड कर देती हूँ। इस बाउल से मैंने 7 बाउल पानी डाला था, दाल में 3 बाउल और फिर से मैंने चावल बनाया डाला तब 3.5 बाउल और दाल बनाते टाइम भी 3.5 बाउल। तो लगभग 7 बाउल मैंने इस बाउल से 1 बाउल दाल, 1 बाउल था चावल और इससे 7 बाउल मैंने पानी डाला है। तो इसकी देख लीजिए किस तरह से ये है, ना तो ज़्यादा गाढ़ा हुआ है अभी और ना ही ये। अब मैं इसे लो आंच करके 10 से 15 मिनट तक देख लेंगे इसकी थिकनेस, उसके हिसाब से हम 10 या 15 मिनट पकाएंगे। तो चलिए अब हम इसे 10 से 15 मिनट में बीच में चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे लग जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे आँच कम मीडियम करेंगे और 10 मिनट के लगभग पकाते हैं। 10 मिनट हो गया, ये मैंने मीडियम आँच कर रखी है और बीच बीच में लगातार चलाते रहें ताकि हमारा ये नीचे से लगे नहीं। अब हमारा खिचड़ी का ठीक है गाढ़ापन, तब मैं इसे सर्व करने के लिए हमारा तैयार है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डालती हूँ और इसको मिक्स करती हूँ। अब मैं फ्लेम ऑफ करके इसको सर्व कर सकती हूँ। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमारा संक्रांति में बनने वाला खिचड़ी तैयार है और ये मैंने इसमें घी भी डाल दिया। आप इसे जब सर्व करें तो इसके साथ पापड़, घी, अचार और सलाद, चटनी, वैसे हमारे यहाँ जो खिचड़ी बनता है उसके साथ आलू का भरता, आलू बैंगन का, दोनों का ही भरता इस्तेमाल होता है, यानी सर्व किया जाता है। चटनी पापड़ होता है, घी होता है, अचार होता है, तभी इसको हम लोग संक्रांति के दिन स्पेशली बनाते हैं यानी खिचड़ी के दिन। तो आप भी बनाइए, खाइए इस तरीके से खिचड़ी और मुझे ज़रूर बताइए कैसा बना। और मैं सिंपल खिचड़ी का भी रेसिपी आपको दूंगी जो मैं एक ही बर्तन में बन जाता है, इसमें मैंने कढ़ाई इस्तेमाल किया और कुकर, वो एक ही बार में बन जाएगा। तो चलिए उसको भी दिखाऊंगी मैं आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।